देखा तो नरसी जी भिक्षा मांग रहे हैं। साधु संत कहवे, नरसी जी हुंडी लिख दो। नरसी जी कहवे, देखो भाई हुंडी लिखना मैंने बंद कर दिए, आज से कई साल पहले लिखा करता था। वो कहवे, नहीं हुंडी तो आपको लिखना पड़ेगी। नरसी जी कहते हैं, इस नगर में और भी लोग हैं, बटे जाओ बटे जाओ उनसे क्यों। संत मंडली कहवे, ना हुंडी तो हम थारे से ही भरवावे। अब नरसी जी बार बार मना कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो हुंडी भरवाना है किसी और से भरवा लो। अरे मारे पास एक रुपया को नहीं, थारे 700 रुपया कैसे दूं। तो कहवे, नहीं हुंडी तो थाने लिखनी पड़े। तब नरसी जी कहवे कि ये मान तो है नहीं रे, तो हुंडी लिख देता हूं। तब महाराज नरसी जी हुंडी लिखते हैं द्वारिका में सावल शाह के नाम। कहते हैं, आप वहां जाना, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी आपको बता देगा कि सावल शाह कौन है। कहते हैं ठीक है। अब नरसी जी जानते हैं कि कोई नहीं है वहां पर ठाकुर जी के सिवा जिसका नाम सावल शाह है। ये भी जानते हैं हुंडी भरने कोई नहीं आएगा, लेकिन जब साधु संत इतना बोल रहे हैं, नरसी जी मना नहीं कर पा रहे। नरसी जी कहवे, ठीक है ते सगला इतना क्यों, तो पाछे मां हुंडी लिख दी। तो हुंडी लिख दी है सावल शाह के नाम। अब महाराज साधु संत जो हैं वो द्वारिका पहुंचते हैं। अब द्वारिका में जैसा नरसी जी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही वो सावल शाह को ढूंढना शुरू करते हैं। अब हर जगह पूछ रहे हैं, सावल शाह कौन है। तो सब कहवे, हमको नहीं जाने सावल शाह को। हर जगह देखा लेकिन कहीं भी सावल शाह नहीं मिल रहे। अब भटकते भटकते एक दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान वाले से कहवे, अठे सावल शाह कौन है। तो कहवे, देखो भाई मने सो लगे कोई थे सगला रे सागे गणी अच्छी मस्करी करे, कि अठे कोई सावल सा नहीं रह गया। तो पूरी द्वारिका ढूंढ लियो, अठे कोई सावल सा नहीं। जैसे ये सुना तो साधु संत सोचते रहे, सारे साधु संत उदास हो गए, क्योंकि महाराज पूरी द्वारिका में ढूंढते ढूंढते 7 दिन हो गए पर कहीं भी सावल सा नहीं मिले। तो इसलिए जो साधु संत हैं वो उदास है। अब आकर के बैठ गए हैं द्वारिका के बाहर, सोचते हैं कि नरसी जी ने घनी अच्छी मस्करी कर दी। अब अठे तो कोई सावल शाह है ही नहीं, और कल हमारी जमात आ जाएगी जीवने का जो, तो कई खिलाए हुए। तो एक कहते, एक काम करा आपा ना ही दरिया में कूद करके आत्महत्या कर ली। अरे बदनामी से तो अच्छा है कि मर जाए, जीते जी बदनाम को नहीं होना अच्छा। तो इसलिए वो सब अब ऐसे उदास हो रहे हैं, नरसी जी के लिए बुरा भला सोच रहे हैं। यहां पर नरसी जी को समझ में आ गया है कि साधु संतों को पीड़ा हो रही है। तब महाराज नरसी जी ठाकुर जी को पुकार लगाते हैं, क्या कहते हैं, तो नरसी जी ठाकुर जी को पुकार लगा, कहे कन्हैया थारे नाम पे हुंडी तो लिख दी, उन्हें विश्वास भी दिला दियो है कि थे हुंडी भरो। मैंने उनसे कह दिया था कि वो द्वारिका में कहीं भी ढूंढे थे उन्हें मिल जाओ, लेकिन मैं जानता हूं अभी तक आप आए नहीं, ये जितना जल्दी हो सकता है आओ आकर के हुंडी भरो। जी को लगता है इतनी सी पुकार से काम नहीं चल, तो फिर से करुण स्वर में पुकार लगाते हैं, क्या कहते हैं,